अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। क्या कारण है दुनिया में सिर्फ 2-3% ही लोग कामयाब होते हैं? क्या कारण है हमारे देश में हर एक घंटे में एक बच्चा खुदकुशी कर रहा है? माँ बाप कहते हैं कि बड़े होकर बड़े आदमी बने। टीचर कहते हैं कि अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो जिंदगी में सफलता हासिल होगी, मगर कोई ये नहीं बताता कि बड़ा आदमी कैसे बना जाए और सफलता कैसे हासिल की जाए। क्या वजह है कि कुछ लोग रिटायर होने के बाद जिंदगी से उब जाते हैं और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं? इनसे जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हर गुरुवार हीरोज क्वेस्ट प्रोग्राम में कर्नल संजीव सिरोही के साथ, ओनली ऑन firstbite.tv। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं कर्नल संजीव सिरोही आपका हीरोज क्वेस्ट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है गोल सेटिंग या लक्ष्य को निर्धारित करना। एंड्रू कार्नेगी वॉज द ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलंथ्रोपिस्ट ऑफ अमेरिका। ही सेड, आई कोट, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी सेट अप ए गोल दैट कमांड्स योर थॉट, लिबरेट्स योर एनर्जी एंड इंस्पायर्स योर होप्स। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य को निर्धारित करें जो कि आपके विचारों को कंट्रोल कर सके, आपकी ऊर्जा शक्ति को रिलीज कर सके और आपकी उम्मीदों को बढ़ा सके। 1980 में हार्वर्ड के 2 साइकोलॉजिस्ट ने ये डिसाइड किया कि हम पता करते हैं कि जो लोग दुनिया में ये कहते कि हम खुश हैं उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो खुश हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने पता करने की कोशिश की कि जितने लोग खुश हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन है। क्या पैसा कॉमन है? क्या सफलता कॉमन है? क्या हेल्थ कॉमन है? क्या प्यार कॉमन है? लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी। कॉमन सिर्फ 2 चीज़ें थी। सबसे पहले कि हर इंसान जो अपने आप को कहता था मैं खुश हूँ, उसका ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य था। और दूसरा, उसको ये लगता था कि वो अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। आज के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो तकरीबन 17 से 18 साल अपनी ज़िंदगी के स्कूल और कॉलेज में लगाते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज में उनको ये नहीं सिखाया जाता कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो है सफलता को कैसे हासिल करें, उनकी जो आशाएं हैं या महत्वाकांक्षाएं हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, उनको कैसे साकार किया जाए। आज मैं आपको एक ऐसा गुरु मंत्र बताऊंगा या जिसको मास्टर स्किल कहते हैं। वो मास्टर स्किल है आपकी काबिलियत, किस चीज़ की काबिलियत, आपको गोल निर्धारित करने की या गोल सेटअप करने की काबिलियत और उसे हासिल करने की काबिलियत। अगर ये चीज़ें 2 आप याद रखेंगे, यानी कि गोल को कैसे सेटअप किया जाए और गोल को कैसे अचीव किया जाए, तो आप अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आप ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं और आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। सफलता के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेन जो है हमारी गोल सीकिंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को अगर हम गोल दे दें तो वो उसको पूरा करने के लिए दिन रात लग जाता है। टू अनलीश द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड द गोल मस्ट मीट 2 रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये है कि हमारे अवचेतन मन को उसकी जो भी एनर्जी है उसको पूरा करने के लिए हमारे गोल के अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कितना और कब तक, दैट इज़ हाउ मच एंड टिल व्हेन। मैं इसको आपको उदाहरण से समझाता हूँ। अगर एक इंसान, उसका नाम राम है, वो ये कहता है कि मैं अगले 2 महीने में 5 किलो वज़न कम करूँगा, उसी चीज़ को शाम ये कहता है कि मैं 30 अप्रैल शाम के 5 बजे तक 80 kg से लेके 75 kg तक अपना वज़न कम करूँगा। दोनों ने तकरीबन एक ही बात कही है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अब जो हमारा अवचेतन मन या जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कौन से वाले गोल को पूरा करेगा? लाजमन है कि दूसरे वाले गोल को पूरा करेगा, क्योंकि उस गोल को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कब तक यानी 5 बजे 30 अप्रैल तक, और कितना यानी 80 केजी से लेके 75 केजी तक। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी गोल में ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो वो गोल नहीं है, वे गुड आइडिया है, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी डिज़ायर है, लेकिन वो गोल नहीं है। गोल तभी बनता है जब उसमें ये 2 चीज़ें पूरी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो है गोल का लिखना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू राइट द गोल यू आर वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक, और जब आप क्लियर और स्पेसिफिक है
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो अवचेतन मन है, वो उसको पता है कि उसको किस किस चीज़ पे काम करना है, क्या क्या अवसर उसके पास हैं जिनका उनको फ़ायदा उठाना है। नाउ द अदर एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ए गोल इज कि आपकी जो सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। नंबर दूसरा, आप बड़े जल्दी प्रेरित हो जाते हैं और आप एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी स्टिमुलेट होती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और आपकी जो आदत है टाल मटोल करने की वो दूर हो जाती है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा ब्रूस ली के बारे में। ब्रूस ली एक बहुत फेमस मार्शल आर्टिस्ट था और बहुत बड़ा हॉलीवुड का एक्टर था। जब वो अपनी स्ट्रगलिंग फेज में था, जब वो अपने कैरियर में नया नया आया था, तो उसको नहीं पता था कि वो ज़िंदगी में क्या करेगा। लेकिन उसको ये पता था कि अगर मैं गोल अपना सेट कर लूँ, मैं अपना लक्ष्य निर्धारित करूँ, तो मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। अगर आप में से कोई न्यूयॉर्क में जाए तो वहाँ पे एक स्टोर है जिसका नाम है प्लैनेट हॉलीवुड। वहाँ पे एक ब्रूस ली का लिखा हुआ लेटर है जो टंगा हुआ है। वो लेटर उसने 9 जनवरी 1970 में लिखा था और उस लेटर में उसने लिखा था कि आज से 10 साल बाद मैं हॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा और मेरी आमदनी तकरीबन $10 मिलियन होगी। ब्रूस ली ने 3 पिक्चरें बनाई, जो उसकी तीसरी पिक्चर थी एंटर द ड्रैगन, वो बहुत ही फेमस हुई और वो बहुत पिक्चर चली। लेकिन बदकिस्मती से उसी साल जिस साल ये पिक्चर रिलीज हुई थी, उसी साल ब्रूस ली का देहांत हो गया। लेकिन इस पिक्चर ने, ब्रूस ली ने कहा था कि मैं $10 मिलियन कमाऊंगा, इस पिक्चर ने ब्रूस ली के अकाउंट में $33 मिलियन डाले। अब मैं आपको 3% फैक्टर के बारे में बताऊंगा। कुछ साल पहले फोर्ब्स, जो कि एक ग्लोबल मीडिया कंपनी है, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च करी। उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया और बच्चों से 2 सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल था कि कितने बच्चे हैं जिनका ज़िंदगी में गोल है, उन्होंने गोल को लिखा हुआ है और उस गोल को हासिल करने के लिए प्लान है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है या गोल है तो उन्होंने लिखा नहीं है। तो जो इंटरव्यू करने के बाद जो रिज़ल्ट आए वो इस प्रकार था कि 13% बच्चे ऐसे थे जिनका गोल था लेकिन उन्होंने लिखा नहीं था। 3% बच्चे ऐसे थे जिनका गोल था, उन्होंने लिखा हुआ था और उस गोल को हासिल करने के लिए उनका प्लान था। और 84% बच्चे ऐसे थे जिनका ज़िंदगी में कोई गोल नहीं था। इसी कंपनी ने 10 साल बाद दोबारा उन्हीं बच्चों का इंटरव्यू लिया गया और वो बच्चे तब तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जा चुके थे, नौकरी कर रहे थे। लेकिन जो परिणाम आए वो बहुत ही आश्चर्यजनक थे। जो 13% बच्चे जिनका गोल था लेकिन उन्होंने लिखा नहीं था, वो बाकी 84% बच्चों से दुगनी तनख्वाह कमा रहे थे। उससे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये थी कि जो 3% बच्चे थे जिनका गोल था, जिन्होंने लिखा था और गोल को हासिल करने का प्लान था, वो बाकी 97% लोगों से दुगनी तनख्वाह कमा रहे थे। तो ये है 3% फैक्टर। अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं और 3% के कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आप ज़िंदगी में अपना गोल निर्धारित करें, उसको हासिल करने के लिए प्लान बनाएं। अब तक हमने देखा कि सबसे पहले गोल को निर्धारित करना है, उसके बाद गोल को लिखना है, और अब तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि उस गोल को, लिखे हुए गोल को दिन में 3 दफ़े पढ़ना है। एक दफ़े जब आप सुबह उठते हैं सो के, दूसरा दोपहर को और तीसरा सोने से पहले। अगर आप ये कार्रवाई करेंगे तो इससे क्या हासिल होगा? सबसे पहले आपको गोल को हासिल करने की इच्छा बढ़ जाएगी, आपकी जो ब्रेन है उसकी जो स्ट्रक्चरल टेंशन बन जाएगी। अब स्ट्रक्चरल टेंशन क्या है कि हमारी ब्रेन आज की रियलिटी को देख रही है। जब हम उसको गोल को देते हैं तो वो गोल के उस विजन को, पिक्चर को देखती है, उसकी वजह से वो टेंशन में आ जाती है कि आज की जो स्थिति है उसको उस विजन तक कैसे पहुँचाया जाए। तो जब ये स्ट्रक्चरल टेंशन होती है तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो लग जाता है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और तीसरा, इससे हम प्रेरित होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है और जो भी आसपास के जो हालात हैं, जो अवसर हमें मिलने हैं गोल को हासिल करने के, वो हमको दिखने लगते हैं। इतना करने के बाद अब जो समस्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसे ही आप गोल को निर्धारित करते हैं, वैसे ही 3 रेड लाइट आपके रास्ते में जल जाती है। वो 3 रेड लाइट क्या हैं? वो 3 रेड लाइट वो हैं जो आपको गोल हासिल करने के लिए रोकती है। सबसे पहले आपके मन में विचार आने लगते हैं
कि मैं इस काम को कैसे करूँगा, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसके अंदर तो मेरे पास काबिलियत नहीं है, इसके पास लिए तो मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरा आता है डर, आपको डर लगने लगता है कि ये जो मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ इसके अंदर जो मैं पैसे लगाऊंगा कि मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। अगर मेरे पास पैसे कम हैं और अगर मैं लोन लेने बैंक में जाता हूँ तो क्या मेरा लोन जो है वो कैंसिल तो नहीं कर देंगे। तो इस तरीके से डर के जो विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। और तीसरा है हालात। हालात एक एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास पैसे उतने नहीं है जो बिजनेस पूरा करने के लिए, तो वो जो आपके हालात ऐसे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिसकी वजह से आपका बिजनेस पूरा ना हो सके। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको तीन बताई हैं, आपके विचार, आपका डर और आपके जो हालात, ये एक प्रोसेस में आते हैं, प्रक्रिया में है ये, इसको जो इससे डरना नहीं है, ये अच्छा है आपके सामने आ जाएंगे तो आप उनको दूर करने के लिए आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी। अब मैं आपको आखिर में एक पावरफुल फॉर्मूला बताऊंगा जिसके 7 स्टेप हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ज़िंदगी में आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू वांट, आपका ज़िंदगी में लक्ष्य क्या है। उसके बाद जो आपका लक्ष्य है उसको जितना डिटेल में हो सकते हैं आप उसको लिखो, क्योंकि जितना आप डिटेल में लिखेंगे उतना ही आपका लक्ष्य क्लियर हो जाएगा। नंबर तीसरा, आपने उसकी डेडलाइन सेट करनी है कि मेरा ये लक्ष्य मुझे तब तक इस तारीख तक प्राप्त करना है। इसको लिखने के बाद फिर आपने बैठना है, ये सोचना है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, टू डू लिस्ट, उसमें आपने पूरे पॉइंट लिखने हैं जो आपको करने पड़ेंगे। ये 4 कार्रवाई करने के बाद फिर आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ मुझे पहले करनी है, कौन सी दूसरी करनी है और किस सीक्वेंस में करनी है। ये जब चीज़ें आपकी हो जाती है उसके बाद आपने इमीडिएटली एक्शन लेना है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और आखिर में आपको ये संकल्प लेना है कि मैं जब तक नहीं बैठूंगा जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। अगर आप ये 7 चीज़ें करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है आपकी ज़िंदगी सफल और खुशी में गुजरेगी। आज के हीरोज़ क्वेस्ट प्रोग्राम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।